राजेंद्र सेतु के बंद होने वाहन मालिकों, चालकों और मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेतु के बंद होने से मोकामा प्रखंड के हजारों के आसपास मजदूर पलायन कर चुके हैं। उत्तर और मध्य बिहार के लाखों लोग बेरोजगार हो गए। हालात ये है कि कई वाहन मालिक अंडा बेचने और कुछ वाहनों के मालिक मजदूरी करने को मजबूर हैं। इसका सीधा असर पुल के आसपास की दुकानों, पेट्रोल पंपों, ऑटो गैरेज और होटल के मालिकों पर पड़ा है। ग्राहक के इंतजार में बैठे ये लोग सारा दिन बंगले झांकते रह जाते हैं। आपके यहाँ तो मंत्री विधायक भी आकर खाना वाना खाते रहते हैं, आपके रेस्टोरेंट में बड़ा प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। अभी क्या स्थिति है पुल के बंद होने के बाद? पुल के बंद होने से के यहाँ का आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा गया है। आपके होटल का सेल क्या? हमारे होटल का सेल एकदम जीरो हो गया है। जीरो हो गया। यहाँ का लोकल जो भी है सब बालू और मैकडावल बंद ही हो गया, हद बाटा बंद ही हो गया। थोड़ा सा बालू पर लोग यहाँ जिंदा था, यहाँ का मुख्य व्यवसाय है बालू ट्रक, जो कि बालू बंद होने से, पुल बंद होने से, दोनों बंद होने से जो है एकदम यहाँ का मार्केट ही खत्म हो गया है। गौरतलब है कि राजेंद्र सेतु पर हाइट गेज डाउन कर मालवाहक वाहनों के परिचालन को बंद कर दिए जाने के बाद लाखों की संख्या में उत्तर और मध्य बिहार के करीब 9 जिले के लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। इस स्थिति में एक तो पलायन में अचानक तेजी से वृद्धि हुई, वहीं दूसरी तरफ युवा आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने लगे। अब मालिकों, चालकों और मजदूरों ने शपथ ली है कि किसी भी सूरत में वाहन समेत 10 टन से अधिक वजन लेकर परिचालन नहीं करेंगे। सड़कें और बाजार वीरान पड़े हैं, लोग मुख्यमंत्री की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। सेतु के बंद होने से क्या प्रभाव पड़ा? सेतु के बंद होने से लगभग हजारों मजदूर जो हैं, जो बेलचा चला के गाड़ी खाली करते थे, वो सभी मजदूर चले गए दिल्ली, जहां तहां सेटिंग करके गए। फिर उसी तरह का हादसा भी हो सकता है। सरकार यहां रोजगार के प्रति जवाबदेह नहीं है, जिसका कारण है कि लोगों का पलायन रुक नहीं रहा है और बिहार के लोगों को जिस तरह से नीचा स्तर का काम करना पड़ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है, काम रोजगार होता नहीं है। इसलिए मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि ये पुल जो है इसको खुलवाया जाए। कौन सी? और राजेंद्र पुल को खुलवाया जाए और जिससे कि जो रोजगार चल रहा था वो रोजगार पुनः स्थापित हो। अभी तक कितने लोग पलायन कर चुके हैं? अभी लगभग 800 से 1000 आदमी जो बेलचा चलाते थे, जो ड्राइवरी करते थे, जो खलासी थे, वो लोग सभी बाहर की ओर निकल चुके हैं। चूँकि यहाँ का जितना भी गाड़ी चलता था सभी गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी नहीं चल रही है, और जिसके कारण सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। और सब उससे जुड़े जो भी व्यवसाय हैं, होटल वगैरह, हाँ उससे जुड़े दुकान, उससे जुड़े जो भी व्यवसाय हैं, जैसे कि दुकान वाला हो गया, होटल वाला हो गया, गैरेज वाला हो गया, सभी अभी इंतजार में है कि शायद पुल खुल जाए। अगर नहीं खुलेगा तो इस महीने के लास्ट तक वो भी निकल जाएंगे कहीं ना कहीं, और पता नहीं वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो जिस तरह हो सरकार से निवेदन है कि भाई पुल पर ध्यान दिया जाए, इसको खोला जाए। सीएम ने आप लोगों को समय भी दिया था ना मिलने का? हाँ, सीएम साहब ने समय दिया था, तो वो चले गए थे हरियाली योजना के तहत, वो भ्रमण में निकल गए थे, तो समय नहीं हो सका। लगता है कि आगे समय बढ़ गया है। आपको बता दें कि राजेंद्र पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए पुल पर सभी तरह के भारी वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया। NHAI के इंजीनियरों ने रिपोर्ट में पुल के कई अहम हिस्से को खतरनाक बताया। NHAI का कहना है कि यदि पुल पर वाहनों का परिचालन बंद नहीं किया गया तो इसका कोई हिस्सा कभी भी टूट सकता है। वहीं पुल के बंद होने से कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसी भयावह स्थिति में 9 जिले के लोगों का एकमात्र सहारा और उम्मीद मुख्यमंत्री ही है। बहरहाल भुखमरी के कगार पर आए लोगों ने मदद की गुहार लगाई। पंजाब केसरी TV के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।